देखो मिठाई तैयार हो गई है और मैं इसके पीस मैंने देखे रखी हैं, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हमारी रेसिपी बड़े ही मज़ेदार होने वाली है, जिसमें हम यूज़ करेंगे ये 2 कप आम और ये देखिए 1 कप मिश्री है और 1 कप मेरे पास ये है नारियल जो मैंने अच्छे से छील लिया है। और मैं अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और इसमें मुझे 1/2 कप के करीबन दूध चाहिए होगा। तो देखिए मैंने इसी कप से अपना मेज़रमेंट लिया है, तो आपके पास जो भी कप हो आप उसी से अपना मेज़रमेंट करें। मेरे पास ये हैवी तलवे का जो पैन है और मैं अभी इसे घी से ग्रीस कर लूँगी, जिससे कि जो भी हम मिठाई बनाएंगे हमारी मिठाई इससे जलेगी नहीं। तो लगभग इसमें 2 टीस्पून हमें घी यूज़ करना होगा। एक पार्ट को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और अपने पैन में डाल दिया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑफ ही रखी है, तो मैं अब बचे हुए पार्ट को ग्राइंड करके इसमें मिक्स करके धीमी आँच में इसे 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। हमारी इस मिठाई को बनते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और देखिए हम चेक इस तरह से करेंगे। मैंने ये स्पून इसके अंदर खड़ा कर दिया है तो ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बस यही मेथड है इसे चेक करने का। और अब हम इसे एक ट्रे में अच्छे से मैंने अपने केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं अब एक स्पून की सहायता से इसे हल्के से धीरे धीरे चलाती रहूँगी जब तक ये ठंडा नहीं होगा, और इसे अच्छे से सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे रखूँगी। इससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। तो मिलते हैं फिर, इसको जब मैं इसे कट करूँगी तब आपको इसकी वीडियो दिखाऊँगी।